मम्मी ने ना पूरा सरप्राइज खराब कर दिया, ऐसे ही बोल दिया। हाय गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। एंड गाइस, आज हम बनाने वाले रेडी टू ईट डिनर वर्जन है आज अपना। अगर आप लोग ने वीडियो जिसने नहीं देखा है तो ब्रेकफास्ट और लंच ऑलरेडी इज देयर, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वरना वैसे भी देख सकते हो। तो आज मैंने सोचा कि ब्रेकफास्ट और लंच में तो अपना वेज हो गया था ना, तो डिनर में थोड़ा नॉन वेज होना चाहिए। तो आज हमारे पास है मटन कोल्हापुरी मिक्स, एंड मैं एक ही बनाऊंगा बिकॉज मेरे घर पे दो मटन के और डिशेस बने हुए अंदर। तो एक ये डिश देख लेंगे ना अपन भी नॉनवेज कैसा होता है रेडी टू ईट का। तो इसमें अपने को क्या करना है, लास्ट टाइम इफ यू रिमेम्बर मैंने लंच के टाइम पे पूरा छौंक डाल दिया था, फिर प्लस कांदे डाल दिए थे, टमाटर डाल दिया था। इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि आधा लीटर पानी डालना है और कुकर प्रेस में डाल के 6 सीटी देना है आपको, बस और कुछ नहीं करना है। नमक मिर्ची और कुछ नहीं लिखा है, बस लास्ट में लिखा है गार्निश विथ फ्रेश कोरिएंडर लीव्स, बस इतना ही करना है अपने को। तो देखते हैं कि इनका दावा सही है कि नहीं, इनके अकॉर्डिंगली बनाओ तो टेस्ट अच्छा आता है कि नहीं, देखते हैं। आप देखने के लिए रेडी हो? आई एम वेरी मच एक्साइटेड। सुहाना का मटन कोल्हापुरी मिक्स तो बनाएंगे अपन। चलो आज वीडियो कट टू कट रखेंगे, नो टेंशन नो बकवास। चले चलो 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 चलो। गोरा आ रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल गोरा। देखते कैसा बनेगा। पहले इसमें लिखा है कि आपको डालना है आधा लीटर पानी, पहले पानी से शुरुआत करेंगे। फिर ऊपर दिखाओ मम्मी मेरे को। फिर इसको थोड़ा पानी गर्म होने देंगे, फिर पैकेट को उसमें डाल के मिक्स कर देंगे, और फिर अपना चिकन डाल के बंद कर देंगे। मम्मी आप उधर क्यों, मैं आपको बोलूंगा मम्मी। मम्मी मेरे को छोड़ के सब कुछ ले लेगी। तो कोई कैमरामैन है तो भाई बताओ, हेल्प कर दोगे तो। मैं हूं ना कैमरा, मम्मी से नहीं हो पा रहा है। मैं हूं ना कैमरामैन, मम्मी से नहीं हो पा रहा है। तो गाइस ये हल्का सा जब गुनगुना हो जाएगा गर्म, तो अपन इसमें ये मसाला डाल देंगे। लास्ट टाइम मैंने जो लंच वाला बनाया था ना गाइस, उसमें मैंने अपने हिसाब से थोड़ा तड़का वड़का मार दिया था, थोड़ा बेटर टेस्ट देने के लिए। लेकिन इसमें मैंने सोचा कि जैसा है वैसा ही रखते हैं ना, इनका नेचुरल टेस्ट कैसा है, मीन जेन्युइन टेस्ट कैसा आता है, बिना कुछ एडिट वेडिट किए बिना। और मम्मी का कैमरे का उधर उधर मुंह उधर है कैमरे का, मैं कोने में आ रहा हूँ, मेरे को पता है आपसे ही किया आपने। था। ये थोड़ा गुनगुना हो जाएगा, फिर ये डाल देंगे। बाजू मर गए, ये मसाला है देखो। फिर इसको बीच में रखने का मम्मी, ऐसे ऐसे बीच में ही आ रहा ना वो। आ नहीं रहा था, मैंने अभी डाला। तो गाइस आप लोग को अगर लगता है कि मम्मी को बीच में चिल्लाते रहता हूँ, मैं चिल्लाता नहीं हूँ, अपना ऐसे मजाक चलते रहता है। तुम लोग बहुत सेंटी हो जाते हो, मम्मी से पूछो, मम्मी मैं आपको चिल्लाता हूँ क्या? नहीं, तेरा आवाज ही ऐसी। अरे मम्मी डरो मत यार, मम्मी सबको पता है। हाँ मतलब मैं इतना काम लगता हूँ, लेकिन नहीं नहीं अभी तो वो सबको पता चल गया ना, तू कैसा है कर आवाज कैसी है ना आवाज। हाँ मतलब मैं वो बोलना वैसे ही है मेरा, मैं बात। अब क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा, ये दिखाना है ना। हाँ ये अच्छा हो गया वैसे तो। अब इसमें अपन डालेंगे मटन, मटन डाल दूं? डाल दो, खुशबू तो मस्त आ रहा है यार एकदम। इसमें 6 विसल लिखा है गाइस, तो 6 सीटी देने के बाद हो जाएगा। और कुछ मम्मी आपको कुछ बोलना? मैं क्या बोलूँ, गांव जा रहा हूँ,
वहाँ मटन बनाऊंगी। अरे अभी नहीं बताना था मम्मी, रुको ना, नहीं बताना, कहीं नहीं जा रहे गाइस, बाद में बताओ, वो डिटेल में आपको बताऊंगा कब जा रहा हूँ क्या जा रहा हूँ। मम्मी ने ना पूरा सरप्राइज खराब कर दिया, ऐसे ही बोल दिया। ऐसे नहीं बताना होता है, हर चीज का एक टाइम होता है बताने। अच्छा, अपन प्लानिंग के साथ बताते हैं। अच्छा, तो मेरे को पता नहीं था। तो अगले बार बताऊंगा ना। तो चलो गाइस, अपना कितने मिनट में, 30 to 35 मिनट्स में लिखा है इसमें, मतलब 6 वेसल जैसे आएगा, अपन बंद कर देंगे, तब तक अपन प्लेट सजाते हैं। दिन भर आज मटन ही खा रहा है, सवेरे 1 किलो मटन बना है, अभी एक फिर मटन बन रहा है। मैंने बोला अभी मटन बना ही है तो थोड़ा मैंने अलग से निकाल दिया था, लगे तो आप लोग को भी बता दूंगा, मैंने सोचा उसके लिए रखा था मैंने। और हमारे पास आज खाने में वजड़ी है, बकरे का आतड़िया, आतड़ी भी खाए है। आतड़िया आतड़िया खाई, फिर अब ये मटन भी खा रहे है, पता नहीं कितना खा रहे बाबा। चलो सबको दिखाएंगे, अभी देखते कितना खाते क्या खाते। चलो गाइस, चलो तो गाइज अपनी नॉनवेज थाली रेडी, एंड वेजिटेरियंस के लिए आई एम रियली सॉरी, आज का थोड़ा आपके लिए दो वीडियोस है और ब्रेकफास्ट और लंच वाले, लेकिन कोई नहीं, आप लोग देख के थोड़ा मजे ले सकते हो कि मटन कैसा होता है, चिकन कैसे होता है, बट सॉरी आपका लाइक का इज नॉट खाना टुडे, जो भी है। तो गाइज ये है अपनी कोल्हापुरी, मटन कोल्हापुरी जो रेडी टू ईट थी, ये मैंने बनाई थी वजड़ी, ये मैंने बनाया था। वजड़ी इज नथिंग बट बकरे का इंटेस्टाइन एंड पेट, एंड दिस इज मटन मेड बाय मम्मी। तो देखते बेस्ट क्या है, मतलब रिव्यू तो घर का खाना तो अपने को पता है मस्त होता है, बट रिव्यू इसका है, लेट्स सी कैसा है। एंड दिस इज चावल की रोटी स्पेशली विद मटन के लिए, मुंह में पानी आया ना। और 6 सिटी में आई गेस ये बन गया था, देखता हूँ पहले पका है कि नहीं 6 सिटी में। मटन थोड़ा सा सख्त है बट कोई बात नहीं, अपन जवान है तो थोड़ा खा सकते हैं। सबसे पहले ट्राई करेंगे मम्मी का। जब माँ का हाथ का खाना है तो ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, दिस 10 out of 10। लेट्स ट्राई अपना वजड़ी जो कि मेरे हाथ का है, फिर मैंने बनाया। दिस इज बेस्ट चखना, इसको भुटवा बोलते हैं हमारे गांव में, इसको चखने में खाते हैं, बहुत मज़ा आता है, अमेजिंग, ट्राई करना कभी। एंड अभी सच का सामने की बारी आ गई है, दिस इज मटन कोल्हापुरी, एंड इसका ग्रेवी टेस्ट करके देखते हैं अपन कैसा हो रहा है, मतलब अगर इसका ग्रेवी अच्छा हो गया ना भाई तो अपने लिए थोड़ा इजी हो जाएगा खाना बनाना। थोड़ा सख्त रह गया है, आई थिंक मैंने फ्रिज में से निकाला था इसीलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन मैंने सीटी दी उसको, 8-9 सीटी दी तो पूरा ग्रेवी जल गया था, बट टेस्ट की बारी आ, नॉट बैड, एक और बाइट लूँगा तो अच्छे से टेस्ट करूँगा। मटन कोल्हापुरी गाइस, ट्रस्ट मी, आग बंद करके पैकेट ले लो, ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी गुड। मतलब ना अपने को इसमें तेल डालना पड़ा, ना नमक डालना पड़ा, ना कोई गरम मसाले, कुछ नहीं, खाली अपने को इसको पानी में डाल के मटन डाल के बॉईल करना था, 4-6 सीटी देना था खाली, बट टेस्ट यार ट्रस्ट मी बहुत अच्छा है। तो कलर देखो ना, कलर देख के लग रहा है कि कितना अच्छा है। दिस 10 out of 10, 8 out of 10, 9 out of 10। चलो अपने आप को थोड़ा नीचे रखते हैं क्योंकि दिस इज रेडी टू ईट। यम्मी मैन, मजा आ गया। तो गाइस आप भी सुहाना का ट्राई कर सकते हो रेडी टू ईट, एंड ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, और अगर कोई देख रहा है कंपनी वाले स्पॉन्सर करना है तो प्लीज करो भाई, रिव्यू देने में मज़ा आता है अपने को, बट ऑनेस्ट रिव्यू दूंगा मैं। तो चलो गाइस, इसके बाद आपको कुछ बताना है, मैं खाना खा लेता हूँ फिर आपको बता रहा हूँ, मैं कल कहीं तो निकल रहा हूँ, कहीं जाने वाला हूँ छोटे से ट्रिप पे, तो फटाफट खाता हूँ फिर हाथ हाथ धो के मिलता हूँ, तो चले क्या, चलो। सो गाइस अगर आप लोग भी रेडी टू ईट देख रहे हो ना तो वो
सुहाना का मटन कोल्हापुरी बहुत अमेजिंग अच्छा है। और आपको रेडी टू ईट में क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या अच्छे है, क्या क्या अच्छे नहीं है वो भी जानने हैं तो मेरे और दो वीडियो लिंक में है, ब्रेकफास्ट आणि लंच का, वो भी देखो। फिलहाल के लिए एक चीज आपको बता रहा हूँ कि ये देखो, आप लोग हमेशा बोलते ना मेरे बैग में क्या क्या रहता है, दिस सारा पसारा ये सब मेरे बैग में रहता है। एंड अपनी अभी बाहर जाने की तैयारी हो रही है तो मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ बताऊँ, मैं एक छोटे से बाइक राइड पे जा रहा हूँ मुंबई के आजू बाजू में। कहाँ जा रहा हूँ ये मत पूछना, नेक्स्ट व्लॉग में आपको पता चल जाएगा। मैं बोला यार इतना टाइम से घर पे बैठे हुए सब लोग को देखा मैंने तो एक एक छोटा मोटा ट्रिप मार के आ रहे हैं, मैंने बोला मैं भी फॉर अ चेंज छोटा मोटा ट्रिप मार लेता हूँ ना, एंड आप लोग भी इंजॉय करोगे मेरे बाहर के वीडियोस। तो आज के लिए ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, आई होप कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। आई एम सो सॉरी, अभी थोड़े तीन नाम बचे हुए हैं जिनने कमेंट किए थे। अगर इफ़ यू डोंट नो मैं तीन नाम क्यों ले रहा हूँ, तो मैंने आपको बोला था कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करें एंड यहाँ पर आके कमेंट करें कि भाई अपन ने दोनों कर लिया है। ऑल्सो मैं बहुत जल्दी अभी इंस्टाग्राम पे लाइव आने वाला, एक दो दिन में आ जाऊँगा पक्का गाइज। तो आज के अपने शाउट आउट जाते हैं भावेश पांडे, उपेंद्र सिंह एंड धीरज पाठक, थैंक यू सो मच गाइज कमेंट करने के लिए एंड सपोर्ट करने के लिए, और सबको भी जिसने कमेंट किए हैं या मेरे को सब्सक्राइब किया है एंड और क्या, और कुछ नहीं। तो चलो अभी वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है तो आई होप कि आपको वीडियो देखने में मज़ा आया होगा। एंड अगर मज़ा आया तो आपको पता है इस वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, दोस्तों को फैला देना है एंड डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल प्रमोद रावत, याद है ना। चलो याद नहीं है तो अभी अभी करो, अभी करो ठीक है, मेरा फ्लो भी खराब हो रहा है, आप लोग खराब मत हो। चलो बाय, चलो 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 चलो।